भाजपा के विचारों के आधार पर जो देशभक्ति का मार्ग चाहता है, अच्छे अच्छे लोग भाजपा का परिवार में शामिल होकर गर्व महसूस कर रहे हैं और हमने सबके मान सम्मान के ध्यान रखने का आश्वासन दिया है। आज पूर्व विधायक पारोल साहू जी, हमारे शेर सिंह यादव जी, इस अवसर अमित सक्सेना जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, 20,000 वोट से जीतते हैं। उनके पिताजी 77 से लेकर 90 तक विधायक रहे, मंत्री रहे, कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऐसे खाटी कांग्रेसी जिनने देश सेवा के लिए कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन मन में निराशा है, हताशा है और खासकर अति तो तब हो गई जब भगवान राम का विरोध करते हैं और कल जाकर के दुआ करते हैं, एक तरफ मंदिर का विरोध करते दुआ करते, दोनों दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा, एक लाइन कुछ भी पकड़ लो। और जिस ढंग से कल नोट पकड़ाए हैं, जिस ढंग से डरा रहा है, धमका रहे हैं और डर के मारे खुद भी 400-400 उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप केवल बहाना बना करके हार से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हो, लेकिन जनता माफ नहीं करेगी। इस बार निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। दो बातें मैं और कहना चाह रहा हूँ, ये जो असमय वर्षा हो रही है, इस असमय वर्षा के बावजूद भी हमने किसानों का लिए प्रशासन को निर्देश जारी किए कि हर हालत में किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनका अपना जो गेहूं भीग गया तो थोड़ा सा चमक भी निकल जाएगी तब भी हम उसको खरीदेंगे, किसी प्रकार की खेत के अंदर कोई हानि होती तो उसका सर्वे करा के उनको मुआवजा देंगे, कोई पशु हानि या अन्य प्रकार का नुकसान हो उसकी चिंता भी हम कर रहे हैं। किसी भी कष्ट में सरकार सदैव किसानों के साथ खड़ी दिखाई देगी, वो निर्णय हमने किया है। एक और निर्णय हम कर रहे हैं, खास करके वर्तमान के दौर में ये जो स्कूलों के अंदर कापी किताब पे नाम पर लूट होती थी प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से, जिला प्रशासन ने को निर्देश जारी कराए कि हर हालत में इस लूट में हमारे अपने अभिभावक परेशान नहीं हो, किताब कापी उनकी अपनी गणवेश जहां उनकी इच्छा वहां से खरीदे, कोई बाध्यता नहीं रहना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि इस बात को ध्यान रखेंगे।